क्योंकि मम्मी लोगों ने हमें सिखाया था दूध उबल के गिर जाए तो अरे बड़ा अच्छा शगन है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कांच टूट जाए अरे बहुत अच्छा शगन है। आई थिंक हमारी मम्मियों ने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया था कि कभी बच्चों को बुरा फील होने देना ही नहीं है, कुछ भी बुरा हो जाए अरे ये तो गुड लक है, आंख फड़क रही है अरे गुड लक है। सो आई थिंक अभी मेरा ट्राइपॉड गिरने वाला था तो एक सेकंड के लगा हे भगवान ऐसे कैसे स्टार्ट होता है, देन आई रिमेम्बर्ड मम्मी अरे गुड लक। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू मेरे घर का खाना। वेल एज यू कैन सी आई एम ऑल ड्रेस्ड अप टुडे एंड आई एम सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे विद गेस हू, आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद माय सनी बॉय। आज हमारे एग्जाम्स का इंटरवल है सो टू स्पीक, एक हफ्ता खत्म एक हफ्ता और बाकी है। जानना चाहते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स बाकी है? फिजिक्स ऑन मंडे, बायो ऑन ट्यूजडे, ज्योग्राफी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे लास्ट पेपर हिंदी लिटरेचर। सो वी आर डाइंग बट ऑब्वियसली वी नीड अ ब्रेक एंड इस वीकेंड को हमने जो स्लीप डेप्रिवेशन हुई है एक पूरे हफ्ते उसे कवर अप करना है। सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव हिम अ लिटिल ट्रीट। आज मेरे इन-लॉज भी अलीबाग गए हुए हैं, मेरा हस्बैंड तो आपको पता ही है श्रीलंका में है, उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड का 50th बर्थडे है, सो हमारे सारे फ्रेंड्स गए हुए हैं। आई ऑल्सो वॉज सपोज टू बी देयर बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट बी देयर बिकॉज हु वुड बी देयर फॉर माई सन। एग्जाम्स के टाइम तो माओ को अपने बच्चों के साथ अगर एटलीस्ट एक पेरेंट हो तो इट हेल्प्स। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट बिकॉज आई कैन सी हाउ मच इट हैज हेल्प्ड मी बीइंग अराउंड। वो सब मैं आपको डिटेल्स बाद में दूंगी। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपको बता दूं, आज मैं बनाने जा रही हूँ अ स्पेशल डिनर, दिस इज माई सन्स फेवरेट। आई एम मेकिंग स्पेगेटी बोलोनीज विद सम ग्रिल्ड वेजिटेबल सैलेड, grilled veggies are here, and I am making some yummy garlicky herbed buttered bread with some sourdough bread that I have got here. So it's going to be a very nice dinner. And before you think अरे इंडियन नहीं है, I want to tell you थोड़ा सा इंडियन से ब्रेक लेते हैं हाँ, क्योंकि कभी कभी अपने आप को थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौके देने चाहिए। सो डोंट पैनिक, इट्स अ वेरी इजी रेसिपी एंड यू कैन मेक इट वेरी इजिली एट होम। आपको पता है मैं डिटेल में आपको सबको टिप्स देती हूँ, समझाती हूँ, आपके सामने मैं एक घंटे में सारा कुछ बनाने वाली हूँ। आई थिंक इससे ज्यादा प्रूफ आपको नहीं मिल सकता कि कितना इजी है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन एंड आई एम गोना टॉक टू ऑल ऑफ यू। लव यू बेल, हेलो 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 सर तरीना, वुप्स आई वॉज अबाउट टू जॉइन समबडी हियर, दाली भोजनी, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग योर नेम्स। I'm going to tell you where my outfit and everything else is from, but I really want to begin with the prep because thoda sa isme I don't want to delay. Ek baar cooking shuru ho jaye then we have a lot of time. So I am making spaghetti bolognese. Bolognese is made with keema or any red meat. So I'm making it with mutton keema. You can make it with any red meat, like I said. To ise main halka sa marinate karne wali hu. You can see it, right? I'm going to move the sourdough bread here. Well, marinate sirf thodi der ke liye. It's not like I'm going to keep it for a while. I'm going to make it instantly. Some garlic paste, some salt and some pepper. Ise dal ke main ise thodi der ke liye chhod dungi taki all the goodness of all this masala goes in. Okay, and I have to use my hands, sorry. I should have taken a bigger bowl, but it's okay. मैं 500 grams mutton mince use कर रही हूँ. And अगर आप vegetarian हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें. आप ये सारा कुछ बना सकते हैं vegetarian रह के भी. आप Nutella आता है, उसके granules use कर सकते हैं to make this. And trust me, it makes a very very good spaghetti bolognese as well. तो उसका एक trick है जो मैं आपको बताऊंगी. I suddenly remembered, I'm going to tell you. So, यहां पे मैंने कीमा में डाल दिया है सॉल्ट पेपर सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। आई एम गोइंग टू एड सम वूस्टर शायर सॉस। देयर इज अ वे। ओके, कौन खोलेगा ताकि मेरा व्हाइट ड्रेस ना खराब हो जाए प्लीज। एंड आई एम गोइंग टू एड सम टोबैस्को सॉस टू दिस ऑल्सो। ये खोल के दे मुझे प्लीज कोई। थी दीदी आज तैयार नहीं हुई है, ना ही चाय पिया है इन्होंने, सब सोए रहे थे 3 घंटे तक। मैं सारा प्रेप कर रही थी आज, तो चाय भी नहीं हुई इनकी। मैं कब से बोल रही हूँ चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो,
बट नहीं सुने। तो ये मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है, यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। I'm gonna wash my hands now and be right back with you, okay? Then I'm gonna tell you how you can make this wonderfully, even if you're a vegetarian. So I'm adding some Worcestershire sauce, or Worcester sauce is an easier way to pronounce it. ये बॉटल बंद कर दिया एंड आई एम गोना लेट दिस बी नाउ दैट आई वॉश माय हैंड्स आई एम नॉट गोना डर्टी इट अगेन ओके एंड नाउ मैं आपको बोल रही थी कि वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप इसे किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने मैरिनेट किया है। आप मैरिनेशन के समय इसे आप अगर आप वो सोया ग्रैन्यूल्स के साथ बना रहे हैं, विच इज वॉट यू नीड टू डू, यू शुड एड सम दही। ये मैंने अपनी रिसेंटली एक आंट से सुना जो वेजिटेरियन बना रही थी, एंड शी गेव मी दिस टिप कि अगर आप रात को उसे मैरिनेट करके रख दे सम दही सम सॉल्ट पेपर सम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, तो सुबह तक वो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है एंड इट बिकम्स यू नो दैट फनी स्मेल जो दैट यू गेट फ्रॉम सोया ग्रैन्यूल्स वो निकल जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड टिप इफ यू आर वेजिटेरियन, प्लीज ट्राई दिस एंड फिर अगले दिन आप उस सोया कीमा के साथ आप इस डिश को बनाइए, ठीक है? बाकी सारा कुछ सेम है, जस्ट रिप्लेस द मीट विद द सोया ग्रैन्यूल्स। ऑलराइट, सो नाउ नाउ बोलना था नाउ हो गया। वेल, यहां मैंने एक पैन में तेल डाला है, बहुत थोड़ा तेल डाला है, सो थोड़ा सा तेल और डालूंगी। सम ऑलिव ऑयल इज व्हाट आई एम यूजिंग, यू कैन यूज एनी कुकिंग ऑयल एंड आई एम गोना हीट दिस ऑयल अ लिटिल, देन आई एम गोना स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। तो अब जो स्पेगेटी बोलोनेज है उसका मजा ही उस बोलोनेज सॉस में है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू कुक द मीट, हाउ वेल यू गेट ऑल द सॉसेस अमैलगमेटेड विद द विद दैट मटन एंड किस तरह से वो वंडरफुल बाइट आपको आता है। ऑफकोर्स मैं आपको दिखाऊंगी आज स्पेगेटी को भी कैसे बॉइल करते हैं, डिटेल में दिखाऊंगी। कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है, ऑल्दो मैंने बहुत बार ये टिप दी है, बट टुडे आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो इट टू यू एज टू हाउ यू डू इट। सो यहां पे तेल गरम हो गया है। प्रीति, इफ यू आर फ्री आप आ जाओ प्लीज, इफ यू हैड योर टी। सो तेज पत्ता निकाला था, हाँ। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद तेज पत्ता, वन तेज पत्ता एंड वन स्टिक ऑफ सिनेमन, टू स्मॉल स्टिक्स। आई एम नॉट हैप्पी विद दीज स्टिक्स अभी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड श्रीलंका में हैं, तो मैंने उनको बोला कि अच्छे मोटे सिनेमन का स्टिक लेकर आए एंड आई एम होपिंग दैट ही गेट्स इट फॉर मी। वो तो क्या ही लाएंगे, उसने आगे से अपने फ्रेंड्स को बोल दिया है कि क्या लाना है। ये लेटस को फ्रिज में रखो, ठंडा होना चाहिए हमेशा। ओके, what I'm also going to do while this is happening, I'm going to show you my vegetables, जो मैं veggies, grilled vegetable salad बना रही हूँ उसमें use करूंगी। तो मेरा बेटा तो आपको पता है सब्जियां खाता नहीं है, सब दुनिया को पता है, और salad बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन अगर मैं इसे grill करूं and इसमें थोड़ा सा flavor डालूं, so I'm hoping that he actually enjoys the salad and becomes an adult। अब तो वो बड़ा हो गया है, so I'm hoping that he actually enjoys this way of having a salad. And you will also see that how amazing this salad will turn out. Okay, now I'm adding some finely chopped garlic to the oil. Now, if you want to bring the camera close, please bring it. I'm getting the camera close so you can see the process of me putting everything. Lovely. I've added some garlic, as you can see. I hope you can see it. You can see all the ingredients lying here. And yes, you can see some red wine as well. Wo bhi jaane wala hai isme. You can see the onions, some parmesan. Ye tomato ki bhi story main aapko batati hoon. I'm going to add all of that here. But first, it's time to saute the garlic. Okay, we saute the garlic. Then we add some celery. सारा जो डिटेल रिटन रेसिपी है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, यू डोंट हैव टू वरी। एडेड सम सेलरी, बी केयरफुल, हाँ थोड़ी देर के बाद टाइट हो जाना। एंड नाउ आई एम एडिंग सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। ओके,
कम बैक. अब अनियंस को थोड़ा टाइम लगेगा, सो यू कैन कम बैक टू मी. ऑलराइट, सो लेट दीज अनियंस गेट सॉर्टेड नाइसली. हाँ, ये निकाल दो, तब तक मैं आपको दिखाऊंगी. सो आज का जो प्रोसेस है, मैं आपको जो दो तीन स्टेप्स है आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यू कैन साइमल्टेनियसली डू ऑल ऑफ दिस. ओके, लाइक आई सेड, दिस इज अ वेस्टर्न डिश, इट इज एन इटालियन डिश, बट डोंट गेट स्केयर्ड टू मेक दीज थिंग्स, बिकॉज कभी कभी घर में इट्स नाइस टू बी एबल टू मेक दैट चेंज. ऑफकोर्स आप रेस्टोरेंट जाके खाते हैं, लेकिन घर में जो पकाने का मजा है, एंड टू नो दैट यू कैन मेक दिस रियली वेल, एज गुड एज यू कैन इन द रेस्टोरेंट. मेरे घर में ना दो चीजें हैं जो लोग कभी बाहर नहीं जाते खाने के लिए. माई फैमिली, थाई करी, बिकॉज दे फील आई मेक इट बेटर देन एनी रेस्टोरेंट, एंड दिस पास्ता, दिस इटालियन पास्ता, स्पेशली माई स्पेगेटी बोलोनेज, माई स्पेगेटी एंड मीट बॉल, जिसकी रेसिपी बाय द वे YouTube चैनल पे मेरे है, अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उसमें मटन मिन्स को पकाने के बाद उसके बॉल्स, मटन मिन्स को अलग से नहीं पकाते हैं हम, मटन मिन्स को मैरिनेट करने के बाद उसके ऐसे गोले बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं, वी कुक देम आउट ऑन हाई फ्लेम एंड देन वी एड इट टू द सॉस विच वी मेक सेपरेटली. सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर बट येट डिफरेंट. सो यू सी दैट रेसिपी इफ यू वॉन्ट टू सी अ डिटेल वीडियो ऑफ दैट. सो नाउ जानवी सांगी, हेलो वर्षा, हेलो वाधवा वीना, हेलो वंशदीप, Priyanka, how nice to see all of you. Outfit is lovely. Okay, so let me introduce the outfit to you. This is from Sandiore. Sandiore. Okay, so Preeti is telling me, because sorry Sandiore, I wasn't sure of how your brand name is pronounced, and they had specially sent me this outfit for Valentine's Day. Aur aapko to pata hi hai ki Valentine's Day mein maine kuch kiya nahi. In fact, you all loved the video that I had posted of me and my son. क्योंकि सब लोग पूछे थे वैलेंटाइन्स डे का क्या प्लान है, और मैं मैथ करा रही थी मेरे बेटे को, तो आई एम ग्लैड यू ऑल लाइक दैट फनी लिटिल वीडियो. एंड आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल हार्ट शेप्ड इयररिंग्स जस्ट टुडे, इन फैक्ट दे अराइव फ्रॉम निहार स्टोन्स, एंड दे हैव सेंट मी अ लॉट ऑफ अदर ब्यूटीफुल ज्वेलरी. सो थैंक यू सो मच सैंडियोर एंड निहार स्टोन्स फॉर दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी. इट्स एब्सोल्युटली एप्ट फॉर माई डेट नाइट, बिकॉज आई एम मेकिंग अ स्पेशल मील for and celebrating Valentine's Day with my son. So today it's my son and I, we're gonna have a nice little meal. All right, so while these onions are getting cooked, you don't have to really brown them, you just have to cook them out in a way that they are slightly translucent, thode se acche se wo pak jaye, uske baad isme hum डालेंगे हमारे कैरेट्स. तो इसमें थोड़े से कैरेट्स इसलिए डालते हैं, एक तो ऑफकोर्स हेल्थ का डोज है, प्लस मटन एंड कैरेट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, प्लस इट एड्स दैट मच नीडेड डोज ऑफ फाइबर, हेल्थ, विटामिन ए, सो व्हाई नॉट. ओके, बहुत ज्यादा अगर आप मीठे कैरेट डाल देंगे तो थोड़ा मीठा टेस्ट आ जाएगा, सो यू हैव टू जस्ट बैलेंस आउट द क्वांटिटी ऑफ द कैरेट्स दैट यू आर एडिंग. ऑलराइट, हाय तारिणी, हेलो हेलो, थिंक ऑफिशियल हियरिंग्स आर फ्रॉम निहार स्टोन. They've in fact sent me a few other beautiful pieces of jewelry, which if I get the time, I might just show them to you. Sanju, वो मेरे बाकी के दो डब्बे हैं, वो भी ले आना please. May as well, since you all are seeing this. Okay, so अब आपको दिखाती हूँ मैं vegetables which I want to grill, and I want to grill them and cool them down. Okay, so grilling के लिए I have taken mushrooms. आपको मैंने tip दी थी कि mushroom को कैसे साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही धोना नहीं है, just उसका जो ऊपर का layer वो निकालना है. फिर यहाँ पे है सम येलो पेपर्स, सम रेड पेपर्स, आई हैव गॉट सम चेरी टमाटोज, आप रेगुलर टमाटोज भी यूज कर सकते हैं, आई हैव गॉट सम ब्रोकली, एंड आई हैव गॉट अ होल बल्ब ऑफ गार्लिक. तो इसे मैंने इसके टॉप को निकाल दिया, छोटू सा गार्लिक था तो इसके टॉप को मैंने निकाल दिया. अब मैं इन सारी चीजों में डालूंगी ऑलिव ऑयल. ओके, नाइस जेनरस ग्लग ऑफ ऑलिव ऑयल. इसमें मैं थोड़ा सी सॉल्ट डालूंगी जो आसानी से आपको मिल जाता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन बहुत आसानी से. ओ, ये चीनी है, थैंक यू वेरी मच, थैंक गॉड, मैंने छुआ ही तो मेरे को पता चल गया. ये देखिए, ये सी सॉल्ट है और ये चीनी है. सी सॉल्ट ऐसे मोटा मोटा सा होता है, एंड इट हैज अ, बट यू कैन टेल द डिफरेंस, एंड इट हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड रियली एड्स अ ब्यूटिफुल बाइट टू आर फूड. तो मैं कई बार जब रोस्ट करती हूँ वेजिटेबल्स या मटन रोस्ट करती हूँ तो उसमें जरूर इसे डालती हूँ. सम सॉल्ट, सम नाइस क्रश्ड ब्लैक पेपर, तो बहुत बहुत ही पतला पाउडर मत डालिएगा, क्रश ब्लैक पेपर.
एंड जस्ट मिक्स इट वेल. मेरा ब्रोकली गिर गया, प्लीज धोके दे दे मां नीचे. ओके एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा बेटा ये एंजॉय करे. आई थिंक इट विल. आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग ऑल्सो, ये सैलेड ड्रेसिंग, एंड आई एम गोना गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू मेक द बेस्ट सैलेड ड्रेसिंग एवर. ओके सो स्लो, हाँ थोड़ा सा फास्ट कर ले. मैं मटर डालूंगी उसमें, कैरेट्स डाल दे. सो आई एम एडिंग द कैरेट्स. कैरेट्स डाल दे. ओके तो अब कैरेट्स पड़ गए हैं हमारे इसमें, एंड हियर आई एम टेकिंग दैट बिग बल्क ऑफ गार्लिक एंड जस्ट पुटिंग इट इन द. आप ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट आई एम जस्ट फॉर सेफ्टी सेक आई एम एडिंग अ लिटिल सिल्वर फॉइल टू इट. एंड हियर आई हैव डाउज्ड ऑल ऑफ दीज ब्यूटिफुल वेजिटेबल्स विद सॉल्ट पेपर एंड ऑलिव ऑयल. ओके ऑफकोर्स आप इसमें चाहें तो मिक्सड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, पर मैं गार्लिक बटर herbed butter के साथ मैं garlic bread बनाऊंगी. सो आई एम नॉट कीपिंग, आई एम कीपिंग ऑल द फ्लेवर्स लिटिल डिफरेंट. ओके तो इसे अब मैं ग्रिलिंग के लिए डाल रही हूँ अवन में एट अबाउट 180 डिग्रीज. 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे. ओके तो ये मैंने डाल दिया है, इसके लिए टाइमर लगा दिया. एक्चुअली मैंने इसे अब जस्ट रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ द रोस्टिंग सेटिंग मैंने इसे ग्रिल सेटिंग में डाला है एंड हाई आंच में डाला है, सो जल्दी हो जाएगा. टाइमर है तो उसमें करीब 5-6 मिनट का टाइमर लगा दे. बिकॉज व्हाट आई वांट टू डू इज आफ्टर ग्रिलिंग इट आई वांट टू कूल इट डाउन एंड देन मेक दैट ब्यूटिफुल सैलेड. तो जो भी सैलेड होता है आप वार्म सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके. बट आई थिंक विद अ नाइस मीटी स्पेगेटी बोलोनेज अ कोल्ड सैलेड विल बी वे मोर अप्रिशिएटेड. ओके लवली, हाउ आर दीज डूइंग? दीज आर डूइंग वेल. So, if you want now, you can bring the camera close, Preeti. Okay, bring it close. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Look at that. So, ab ye acche se. मैं ऊपर से देखा, हाँ दिस इज नाइसली गेटिंग सॉर्टेड. अब इसमें मैं थोड़ा सा सीजनिंग करूंगी. आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट. ओके रिमेंबर दैट आई हैव आल्सो एडेड, मैंने सॉल्ट डाला हुआ है साइड में, हाँ मैंने सॉल्ट डाला हुआ है मटन के अंदर भी, मिन्स के अंदर भी. तो अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं डालना है. ट्राइंग टू लुक. ओके इसे हल्का सा सॉटे कर लिया. अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा वाइन. यस आई एम गोना ऐड सम वाइन टू दिस बिकॉज इट्स अमेजिंग. एंड देन वाइन का क्या होता है कि आफ्टर यू ऐड इट, जब इसे उबाल आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी लाया, ये उबलने के बाद इसका जो अल्कोहल कंटेंट है वो पूरा पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है. जस्ट लीव्स इट्स नाइस फ्लेवर. Okay, so I am going to now make sure that the entire wine is evaporated. There, lovely. Okay, उसके बाद इसमें मैं मटन मिंस डालूंगी. Okay. Beautiful. All right, why don't you let's get this evaporated because We need to. तो इसे मैं इवेपोरेट होने देती हूँ. वाइन को अगर आप मटन डालने के बाद भी डालेंगे तो भी चलेगा. यू नीड एक्चुअली अ वेरी ड्राई पैन. जब आप मटन मिंस डालते हैं तो पैन बहुत हॉट होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए बिकॉज यू डोंट वॉन्ट कि जो कीमा है वो अपना पानी छोड़े. तो आइडियली यू शुड एड द वाइन लेटर. मैंने पहले डाल दिया बिकॉज आई वॉज मोर कीन ऑन इवेपोरेटिंग इट, तो मैंने गलती कर दी. आपको आइडियली पहले कीमा डालना है और उसे अच्छे से भूनना है. तो अभी मैं क्या करूंगी, आई विल लेट द वाइन इवेपोरेट एज मच एज इट कैन ताकि वो ज्यादा. वाइन कौन सी है, आप कोई भी वाइन यूज कर सकते हैं. जो भी वाइन आप पीते हैं आप यूज कर सकते हैं. इंडियन वाइन यूज कर सकते हैं, इंपोर्टेड वाइन यूज कर सकते हैं. रेड वाइन होना चाहिए, बहुत हैवी बॉडीड नहीं होना चाहिए. नाइस ड्राई बेसिक बॉडीड वाइन इज एब्सोल्युटली ओके. सब्स्टिट्यूट फॉर वाइन, यू कैन एब्सोल्युटली स्किप वाइन, देयर इज नो नीड
if you don't have wine or if you don't want to use wine, you can skip it. But it adds a lot of lovely flavor and it goes really well with the meat. So ideally, you should not skip it. Okay, lovely. अब ये almost evaporate हो गया, मैं इसे थोड़ा सा और evaporate कर दूंगी so that my mutton gets that nice heat that I wanted to get. इसे थोड़ा सा side करेंगे क्या, इसमें कर देती हूँ क्योंकि ये उड़ रहा है. हाँ उसको वहां पे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद चालू करते हैं. तो हाय, हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू ऐड व्हाइट वाइन और रेड. सो देयर आर सर्टेन रेसिपीज इन व्हिच यू ऐड व्हाइट वाइन वेर यू वांट द कलर टू बी व्हाइट. तो अगर आप से ग्रिल चिकन इन मशरूम सॉस फॉर एग्जांपल बना रहे हैं या आप फिश इन केपर सॉस बना रहे हैं, तो आपने देखा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सो आई हैव डन अ लवली ग्रिल फिश विद केपर सॉस, उसमें मैंने व्हाइट वाइन यूज किया है. सो व्हेनेवर योर कलर ऑफ द डिश इज व्हाइटिश लाइट ब्राउनिश, उसमें जाता है व्हाइट वाइन. जब भी डिश का कलर रेड है, जैसे अगर आपने शेपर्ड्स पाई बनाया, स्पेगेटी बोलोनेज बनाया, अगर आपने मटन चॉप्स बनाए, उसके साथ आपने ग्रेवी बनानी है, तो आप रेड वाइन यूज करोगे. ओके सो लवली. अब यहाँ पे ये वाइन जो है पूरी तरह से, बिकॉज इट्स गेटिंग दैट नाइस हीट, इट्स गेटिंग इवेपोरेटेड एंड आई लव द कलर दैट इट हैज इम्पार्टेड टू माय अनियंस. खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. अब मैं इसमें मटन डाल दूंगी एंड उसे अच्छे से भूंजने के बाद फिर उसमें टमाटर डालूंगी. ऑलराइट, व्हाट एम आई मेकिंग? सो आई एम मेकिंग स्पेगेटी बोलोनेज एंड स्पेगेटी यहां पे पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी. सारी चीजें वेजिटेरियन है एक्सेप्ट फॉर द बोलोनेज सॉस. वो भी मैंने आपको कहा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इस सेम रेसिपी को बना सकते हैं सोया ग्रैन्यूल्स के साथ. ओके सो नाउ I am adding. Okay, you want to bring the camera closer, beta? Preeti? Okay, so you can see that lovely color, जो wine ने छोड़ा है, और किस तरह से onions भी brown हो गए हैं. So, अभी वो evaporate भी हो गया, सारा wine गायब, सिर्फ उसका फ्लेवर उसने छोड़ दिया है. तो अब इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी कीमा. ओके, और याद रखिएगा जब भी आप यूज करते हैं कोई भी मटन या चिकन, इट शुड बी कुक्ड ऑन हाई फ्लेम एंड रूम टेम्परेचर पे हमेशा लाके रखना चाहिए. कभी भी ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाल के कुकिंग नहीं करना चाहिए. कुकिंग की जो का जो रिजल्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा द वे यू कुक मीट. तो दो चीजें याद रखना है आपको, इसे रूम टेम्परेचर पे ला के रखना है और फिर उसे पकाना है एकदम हाई फ्लेम में, ताकि वो अपना वो जो मीटीनेस है, वो जब पानी छूटता है ना तो वो एक गेमी फ्लेवर आ जाता है या खुशबू आ जाती है, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है. ठीक है, तो अब जैसे आपने देखा कि अब आप देख रहे हो बिल्कुल भी ये कीमा पानी नहीं छोड़ रहा है, राइट. तो जैसे मैंने कहा वाइन आइडियली हमें बाद में डालना चाहिए, बट आई हैव कॉम्पनसेटेड फॉर इट. पहले मैंने वाइन को पूरा इवेपोरेट कर लिया और फिर अब मैंने मटन कीमा डाल दिया. इसे अब हम भूंजने देंगे अच्छे से. लेट इट जस्ट कुक एंड प्रीति विल हैंडल दैट, राइट प्रीति? ओके सो व्हाइल प्रीति इज कुकिंग आउट द मटन, आई एम गोइंग टू सी व्हाट हैपनिंग विद माय. ओ, वेजीज आर लुकिंग लवली. लगाया टाइमर? कितने का टाइमर लगाया? Okay, I want to show you how beautiful these vegetables are looking. Can you see that lovely charred look? एक मिनट में आपको दिखाती हूँ. ये मशरूम्स क्योंकि उल्टे हो गए हैं तो आपको पीछे से सिर्फ वही दिख रहा है, इसका पीछे का हिस्सा. Look at these. Can you see how beautiful these veggies are looking? Broccoli के edges आप देख रहे हैं किस तरह से charred हो गए. अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे and then we're going to make the salad. ट्रे में वापस अंदर डालूंगी बिकॉज गार्लिक को थोड़ा और टाइम लगता है. आई एम लीविंग द वेजीज आउट, जस्ट गिव मी अ बेस प्रीति सो दैट दिस कैन बी कूल्ड आउट. हाँ, इनफैक्ट इसे ना
थोड़ा सा जाके फैन के नीचे रख दे, है ना। इसे मैं थोड़ा सा कम आंच में करके आई एम गोइंग टू थोड़ी देर के लिए हेल्प हो जाते हैं। जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल, बस थोड़ा सा टॉस कर देते हैं, जस्ट थोड़ा सा लिटिल मोर सॉफ्टर। मैंने थोड़ी देर के लिए जस्ट दो मिनट का, दो तीन मिनट के लिए रख देते हैं। मैंने ये वेजिटेबल्स को वापस से अवन में थोड़ी देर के लिए रख दिया, बिकॉज अगस्त्या को ज्यादा क्रंच नहीं अच्छा लगता, उसको तो वेजिटेबल्स ही नहीं अच्छा लगते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाए एंड फिर मैं उसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ओके, सो विच इज गुड इनबिल्ट अवन टू बाय? वेल, आई एम यूजिंग एन एलिका अवन, आई वोंट से आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कैफ इज गुड, अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करना चाहते हैं देन यूनॉक्स इज सुपर। मैं अपने प्रोफेशनल किचन में, जहां से मेरी कुकीज बनते हैं, बाय द वे कुकीज का टाइम आने वाला है, गेट रेडी टू बाय सम मोर। आई थिंक जस्ट जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे आई विल क्रिएट वन मोर बैच। आई डोंट नो हाउ पीपल डू दिस, कैसे उन्हें टाइम मिलता है करने के लिए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, ऑफकोर्स आई हैव माई असिस्टेंट्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम फुल्ली इन्वॉल्व, राइट। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं आप भी फुल्ली इन्वॉल्व। आई डोंट नो हाउ पीपल गेट द टाइम टू डू इट, बिकॉज इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मेरे जैसा इंसान जो इतनी सारी चीजें कर रहा है, इट आई हैव टू डू थिंग्स इन बैचेस, आई कांट हैव माई कुकीज बींग सोल्ड ऑल द टाइम। एनी वे, ऑल राइट, सो वी आर मेकिंग मटन से पहले क्या डालना है, मटन से पहले क्या डालना है, थोड़ी सी दालचीनी तेल में, एक तेज पत्ता, उसमें फिर हम डालेंगे गार्लिक, अनियंस, सेलरी, कैरेट, उसे भूंज लेंगे, उसके बाद हम मटन डालेंगे। ओके, अब मटन को अच्छे से भूनना है, जो भूंज रहा है हाँ भूनने दो, इसको थोड़ा सा और पकने दो, नहीं इसको अभी नहीं ढकना है। तो इस स्टेज पे मटन को बिल्कुल नहीं ढकना है। योर आइडिया इज कि उसे थोड़ा सा आप सियर करें, उसे उसे वो ब्राउनिंग दे जो यू वॉन्ट टू गिव टू इट, एंड यू वॉन्ट इट टू, यू वॉन्ट टू सील द फैट इन। यू क्यों हम हाई हीट पे करते हैं, आप फैट को सील इन कर लेते हैं ताकि उसका, और मॉइस्चर को सील इन कर लेते हैं, क्योंकि हाई हीट में जब पकता है वो बाहर एक फिल्म क्रिएट कर लेता है एंड इट सील्स द मॉइस्चर इन साइड। तो वो जो मैं बोली थी वो गेमी या उसकी जो खुशबू आती है, वो जो थोड़ा सा मीठी खुशबू आती है, वो बिल्कुल अवॉइड हो जाता है। राइट, तो उसे अच्छे से हाई आंच में पकाने के बाद, इसको कम आंच तो नहीं किया था ना, हाँ एकदम हाई आंच में इसको पका, थोड़ी देर और भूंजेगा, उसके बाद मैं इसमें टमाटर और बाकी के सॉसेस डाल दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर से भूनने में। ऑलराइट, सो शुड वी मेक द ड्रेसिंग फर्स्ट और डू यू वांट द हर्ब्ड बटर फॉर द गार्लिक ब्रेड? व्हाट डू यू वांट, टेल मी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्लोरिडा, हाय पूनो रानी, नाइस टू सी यू, कुकिंग इज लव, हियर आई हैव टेकन योर नेम नाउ। टुडे आई एम इन अ वेरी लवी डवी मूड, आई एम वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस फ्रॉम सैंडियोर एंड लवली हार्ट शेप्ड इयररिंग्स from Nihar Stones, and I'm getting ready for a date night with my son. Mid exam date night aaj hai, so thoda sa aaj western dish ban rahi hai, spaghetti bolognese ban raha hai, grilled vegetable salad ban raha hai, herbed garlic butter ban raha hai, and my brownies for dessert. Aapne dekha na meri brownie ki reel, प्रीति ये होने के बाद जरा ब्राउनी भी दिखाएंगे फ्रिज से। मैं ब्राउनी आई सोच रही थी कि सिजलिंग का वो पूरा इफेक्ट देके आपको दिखाऊं, पर फिर मुझे इमेज भी खाना पड़ेगा, बट आई वांट टू हैव माय डिनर बिफोर दैट। सो यू हैव सीन दैट रील, इफ यू हैवंट सीन इट आई विल शेयर इट अगेन, डू सी माय ब्राउनी रेसिपी। मैं आपको बता दूं, ये एक टाइम पे मैं, मेरा हस्बैंड कहता था कि तुमको बेचना चाहिए ये, कि इतनी अच्छी ये ब्राउनीज है, एंड बाय फार एवरीबडी सेज, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, सब कहते हैं कि दीज आर द बेस्ट ब्राउनीज दैट एवर ईटन। तो प्लीज ट्राई मेकिंग देम एंड ईट देम, बिकॉज यू विल रियली थैंक देम, दे आर द बेस्ट बेस्ट ब्राउनीज। Beautiful. Can you hear that gorgeous sizzle of the grilled vegetables? Lovely. इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी. Just keep it here so you can see this. How beautiful it's looking. Okay. And हाँ थोड़ा थोड़ी देर में इसे अंदर, हाँ ले जाओ, एक्चुअली ये ले जाओ. इसे मैं फैन में रखने के लिए छोड़ रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये और भी ज्यादा ठंडा हो जाए. बट इमिजिएटली कोई भी चीज को आप गर्म गर्म फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज गर्म होगा आप नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दैट विल स्पॉइल योर रेफ्रिजरेटर। सो आई एम कमिंग बैक,
to the mutton. Yes, it's nice and dry. I want to show this to you how dry this mutton is. Lovely. And that is the key to good red meat or any meat. जब आप उसे पहले डाले एकदम ड्राई होना चाहिए. आप देख रहे कोई भी पानी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं है. दैट इज द की टू गुड कुकिंग ऑफ मटन. अब इसमें हम ऑफकोर्स डालेंगे हमारे बाकी के सॉसेस. संजना इधर आ जाए एक मिनट, जब तक प्रीति बाहर गई है, ताकि इस एंगल में ही है. मैं डाल देती हूँ सारा कुछ आगे. थोड़ा सा दूर रख, फ्लेम बहुत हाई है. अब मैंने फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया सो दैट मेरा फोन ना बंद हो जाए. एंड नाउ आई एम एडिंग दीज ब्लांच टोमाटोज. तो मैंने आज ये टिंड टोमाटोज यूज किए हैं. मैं आपको दिखाऊंगी ये टिंड कैसे होते हैं. ये बेसिकली इटालियन टोमाटोज के टिंड मिलते हैं, जिसमें स्किन्ड और पील्ड टमाटर मिलते हैं. इटालियन टमाटो होते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी. आप रेगुलर घर के टमाटर को ब्लांच कर सकते हैं, उबाल के उसका छिलका निकाल सकते हैं एंड वो यूज कर सकते हैं. सादा ज्यादा टाइम मैं भी वो यूज करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं लाइव कर रही थी एंड मुझे पता था कि फिर वो टाइम ज्यादा ले लेगा कुकिंग में. ये क्या होते हैं, ये दे आर इजियर टू कुक, इसीलिए आई हैव यूज दिस टूडे फॉर लाइव. अदरवाइज यू रियली डोंट नीड टू वेस्ट मनी. वैसे ज्यादा महंगा नहीं होता है टिप, बट जो रेगुलर टमाटर की प्राइस होती है उसे तो ज्यादा ही होता है. सो वाई वुड यू वॉन्ट टू वेस्ट मनी अननेसेसरली, क्योंकि रिजल्ट रेगुलर टमाटर का बहुत अच्छा आता है. मैंने बे लीफ को निकाल दिया है, इट्स डन इट्स जॉब. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द सॉसेस एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू शोइंग यू द. थोड़ा सा मैंने ये वूस्टर सॉस और डाल दिया, हल्का सा टोबैस्को एंड दैट्स इट. सॉल्ट और पेपर मैं अब नहीं डालूंगी इस समय, बिकॉज मैंने सीजनिंग पहले भी डाली थी मैरिनेशन में भी, एंड मैंने उसे जब प्याज को मैं भूंज रही थी उस समय भी डाला था. सो आई एम नॉट गोना डू इट. सो नाउ अगेन एक बार मैं टेम्परेचर हाई करके इस टमाटर को अच्छे से पकने दूंगी एंड देन कम फ्लेम में इसे थोड़ा सा और पानी डाल के आई एम गोइंग टू लेट इट कुक ऑन स्लो फ्लेम. ऑलराइट, सो दैट इज बेसिकली द बेस ऑफ माय बोलोनेज. आई मीन दिस इज द बोलोनेज, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बोलोनेज. ओके, और यहाँ पानी भी दिखा दो. ये जो उबलने के लिए पानी रखा है, आई वॉन्ट टू शो यू कि कितना, जब आप स्पगेटी बॉइल करते हैं तो कितना नमक जाता है. घबराइएगा नहीं, बट दिस इज अ फैक्ट. लिटरली इतना जाना चाहिए कि कलर इसका बिल्कुल सी सॉल्ट सी वॉटर की तरह हो जाए एंड एकदम ये सॉल्टी हो जाए. एंड घबराइए नहीं, बिकॉज सारा जो पानी है वो एकदम नॉट पानी, जब पानी आप ड्रेन करते हैं स्पगेटी से तो वो बिल्कुल सारा जो सॉल्ट है वो निकल जाता है. तो अभी हम ड्रेन भी नहीं करेंगे, हम पास्ता निकाल के डायरेक्ट सॉस पे डालेंगे. आई शो यू हाउ, विच इज एक्चुअली द वे इट्स डन, बिकॉज यू वांट दैट स्टार्चीनेस ऑफ द पास्ता. लेकिन अगर आप जल्दी पास्ता बना रहे हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपको सब कुछ एक साथ करने का टाइम नहीं है, तो आप सुबह स्पगेटी बना के उसे रख सकते हैं ड्रेन करके. ठंडा पानी डालने से क्या होता है, उसका जो ब्यूटिफुल स्टार्च है वो निकल जाता है. But that's the only way to preserve it from clumping up. So what you do is ठंडा पानी डाल के उसे ड्रेन कर लीजिए, थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, रख दीजिए. लेकिन पास्ता वाटर को, पूरा पास्ता वाटर को सेव करिए. जब रात में आप इसे बनाएं या दिन में जब आप whenever you are ready to make it, just पानी को वापस से सेम पास्ता वाटर को उबालिए, स्पेगेटी को उसके अंदर डाल दीजिए, एक उबाल आने दीजिए, टेक इट आउट एंड डायरेक्टली पुट इट इन योर सॉस एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट क्रीमियस यमियस पास्ता एवर. Okay, so that's a very important tip that you should remember. So what do you want first? Do you want the salad dressing first or you want the herb butter which will go on the garlic bread first? Tell me. What do you want? Hi, Subarna Sani. Agar oven nahi hai toh veg kaise? Good, you asked me. Main bolne wali thi, par main bhool gayi. Agar oven nahi hai toh aap pan mein usse grill kar sakte. Koi problem nahi hai. Maine grilled vegetables pehle bhi dikhaye hain. जस्ट सेम चीज आप पैन में टॉस कर लीजिए, ज्यादा उसको पकाना नहीं है. और अगर आप पैन में टॉस करेंगे तो आप हल्का सा ब्रोकली वगैरह को ब्लांच करके भी यूज करेंगे तो वो बेटर होगा, बिकॉज उससे ज्यादा देर आपको पकाना नहीं पड़ेगा. राइट, यू डोंट वॉन्ट इट टू कुक फॉर टू लॉन्ग, उसका कलर खराब हो जाएगा, वो थोड़ा मिलमिल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, बट यू डोंट वॉन्ट. यू वॉन्ट दैट लिटिल क्रंच. तो वो क्रंच ग्रिल्ड वेजिटेबल जब आप अवन में करें तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे इधर पकाएंगे
तो वो मेंटेन होना टफ हो जाएगा. सो आई सजेस्ट कि जो हार्ड वेजिटेबल्स है, लेकिन अगर जैसे अगर आप कैरेट वगैरह यूज कर रहे हैं, कैरेट, बीन्स, ब्रोकली, ये सब जो हार्ड वेजिटेबल्स है, इन्हें आप हल्का सा पानी में उबाल लीजिए, जस्ट फॉर 30 seconds. उबलते पानी में डालिए, 30 seconds के अंदर निकालिए, ठंडे ठंडे पानी में डालिए, खत्म उसकी कुकिंग. तो वो कुक भी हो जाएगा, उसका कलर भी रिटर्न हो जाएगा, और फिर आप उसे सॉटे करके यूज कर सकते हैं इन योर ग्रिल वेजिटेबल सैलेड. ऑलराइट, माय फैमिली इज वीगन, सो इज देयर एनी रिप्लेसमेंट फॉर नॉन वेज? यस, लाइक आई सेड, यू कैन मेक द सेम डिश विद सोया ग्रैन्यूल्स एंड आई विल गिव यू अ ब्यूटिफुल बोलोनेज, वेजिटेरियन बोलोनेज. ओके, एंड ऑफ कोर्स जस्ट अवॉइड बटर एंड अंडा, तो इसमें किसी में पड़ ही नहीं रहा, राइट? अंडा वेल डन, तो इसको आप फ्रिज में रख दे, फिल्म लगा दे, या ऐसे ही लग दे, जगह है, बिकॉज इसे थोड़ा ठंडा करना है. लेट्स मेक द ड्रेसिंग. डिड एनीवन से व्हाट डिड यू वांट? वेरी नाइस ड्रेस, थैंक यू, इट्स फ्रॉम सैन डियो. इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज अवन, देन हाउ टू डू? ये क्या सवाल है? इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द अवन, दैट मीन्स यू डोंट हैव द अवन. आई टोल्ड यू, यू कैन ग्रिल इट इन द पैन. If you have an oven, then you better learn how to use the oven, right? So manual mein likha hota hai, aap dekh lijiye. What am I making? I'm making spaghetti bolognese, a grilled vegetable salad, and I'm making a herbed garlic bread. Okay, you still remember me from Whirlpool? Yes, I'm the Whirlpool girl. I was their brand ambassador for 6 years, and I'm glad people still remember me from that. Those days I was just a model, and now I'm actually endorsing different appliances and different products as a chef. So it's been a beautiful journey, and I'm quite enjoying it. All right, herbed butter first. Tanisha Bhatia said so. So, oh, somebody else said salad dressing. Naila, okay, let me see. Next wala jo bhi hoga, butter. Okay, so butter is it. Let's make the butter. This is the butter. इसके लिए आपने soft butter लेना है, which means what? कि आप जब इसे तैयार करेंगे तो आप butter को बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है? आप बाहर निकाल के रखेंगे तो ये automatically soft हो जाएगा. Melt नहीं करना है butter को, please remember. Big difference between melted butter and soft butter. जब हम cookies वगैरह भी बनाते हैं, we never melt butter, we just soften it. Okay, melted butter जब आप crepes वगैरह बनाते हैं, that's the time you need melted and cooled butter. ओके, ये लग रहा है जैसे पूरा कुकिंग की क्लास चल रही है, बट उसके बारे में और बाद में बताऊंगी. ये रहा सॉफ्ट बटर, वो तुम चला रहे हो ना बेटा? ओके, एंड ये नमक है कि चीनी? नमक है. ओके, सम सॉल्ट, अगेन आई एम यूजिंग सम सी सॉल्ट, एंड सम पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर. ओके, सम मिक्स्ड हर्ब्स, ड्राइड हर्ब्स मैं डाल रही हूँ. ऑफकोर्स यू कैन यूज फ्रेश, बट फ्रेश जल जाता है आसानी से. सो आई एम जस्ट एडिंग सम ड्राइड हर्ब्स टू दिस एंड माय मिंस्ड गार्लिक. ओके, गार्लिक बटर बन रहा है तो ऑब्वियसली गार्लिक तो पड़ेगा, और गार्लिक को मिंस कर लीजिए. अगर आपके पास वो मिंसर नहीं है, हमारे पास मिंसर है ना, दिखा दो प्लीज, और नहीं तो आप फिर उसे बस सिलबट्टे में कर सकते हैं. देखो, इस बार मुझे नाम याद है. हाँ, ये होता है गार्लिक मिंस, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. इसके अंदर ऐसे आप गार्लिक डालिए और फिर इससे आप बंद करके इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए, तो यहां से पूरा वो गार्लिक अच्छे से मिंस होके निकलता है. ओके, तो नाइस बिग हेल्पिंग ऑफ अगस्त्य. आया कि नहीं? आया. ओह, व्हाट टाइम इज? हाय गर्ल्स. हेलो. That's my date for tonight. What? No. Yeah. No, don't do this. Why? A son can't be a date. बड़े हो जाओ. अरे हेलो तो बोलो सबको. ये लोग ना डेट पे अभी 14 साल के तो बड़ा शर्माते हैं. बड़े होके जब एक्चुअल डेट्स पे जाएंगे तब कोई शर्म नहीं आएगी. So this is my only time of getting a date with my son. Aren't we on a date night? No. Tonight? No. So what am I cooking for? I thought you were going to put some music. Dinner, but not a date. Why? It's only you and me. What is a date? A date is a it's a situation where two people meet and have dinner together. My life is over. His friends are going to kill me. By the way, आजकल बिल्कुल मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता, because इसके सारे ये जो बदमाश दोस्त हैं, ये सारे मुझे follow करते हैं Instagram पे. तो जैसे ही वो इसका कुछ भी देख लेते हैं, फोटो लेके उसका क्लोजअप लेके स्पैम करना शुरू कर देते हैं. तो नाउ ही जस्ट डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद मी. तो मुझे लिटरली हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं. ओके, तो ये अब बता, देखा ना कितनी जल्दी भाग गया अगस्त्या. वेरी बैड, कम ना, टॉक टू माय पीपल. अच्छा, ये देखा ना आपने सॉल्ट. ओके फाइन, इट्स नॉट अ डेट, आई एम जस्ट कुकिंग डिनर फॉर माय सन. यस, इज दैट ऑलराइट?
And can you tell them how your exams went so far? What happened? What was your experience? Well, teacher, my... you can't be seen. Thoda idhar aao. Yeah. 1 second while he's talking, I'm cutting my sourdough bread to get the garlic bread ready. Now you tell them. Come. Yes. The, don't get cut. Yeah, okay. Okay. Okay, come. So, just pop your head so that I can still do it. I'm sorry, I have my chopping board here only, so I can't help it. Yeah. Okay, so, well, math went well, because even my teacher said that I've done better than she expected. And my mom taught me that, my mom thought I was going to fail, so that's why. I never said you're going to fail. She said I'm getting 50. I, ye sare details nahi dete hai. Thode thode details ko control karte hai. Aur 50 aur fail mein bahut, bahut farak hai. Yeah, okay, so, well, I'm decently happy with math, because, well, mom worked very hard for that. Mom worked very hard for it. Exam उसका था. Yeah. नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला कि fail करेगा. मैंने जब paper देखा तो मुझे थोड़ा सा tough लगा. And उसने एक question नहीं किया था. तो I was just evaluating. मैंने कहा जितनी ये silly mistakes करता अगर वैसे ही किया तो मैंने सिर्फ ये पूछा pass तो हो जाओगे ना लाज रख लेना. But he said, oh, what do you think? I've done better than that. तो I think and his teacher also has said कि I think he's done better than expected, so hopefully she said that, right? So fail नहीं होगे मेरा बेटे होके fail हो सकता है क्या कभी? हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दो. इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ किसके लिए? हाँ. Then history went well, chemistry decent. History is his father's subject. His father teaches him beautifully. And my favorite one. And he's very lucky because history, geography, dono iska favorite hai. So it makes my husband's life much easier. I have to deal with sciences and math English. And English. But English also you love. English is good. Yeah, you like English. Shakespeare, my God. But you enjoyed it. I think hum log ne Shakespeare sabse zyada enjoy kiya is bar. Yeah. It was a lovely story that poems we did. Poems are just tough. Poems are quite tough. Okay. A bit annoying. And a bit annoying because they're very heavy duty, but it's good that they are being exposed to all of this so early in life. Yeah. So yeah, maine thoda sa herbed butter डाल दिया है. ये जो मेरा गार्लिक था पहले का वो भी डाल दिया थोड़ा और होने के. आगे से वन सम चीज बेबी ऑन योर गार्लिक ब्रेड सब मोज़रेला स्ट्रिंगी चीज. आई एम गोना ऐड सम स्ट्रिंगी चीज आल्सो एंड कम टॉक टू देम सी व्हाट पीपल आर सेइंग टेक सम कमेंट्स सिंस यू आर हियर. हां डोंट जस्ट शट इट डोंट गो सो फास्ट यू वोंट बी एबल टू रीड इट बेटा बट सी यू ब्लॉकिंग द होल स्क्रीन नोबडी कैन सी एनीथिंग सो केयरफुली. You want to take a question? Is there anything? Okay, so you have to go slowly like that. Yeah, someone said. I used to love history, sir. Neha Stones is saying. By the way, Neha Stones sent me these earrings. You like them? Yeah, they're very nice. Yeah, they're heart shaped. I'm not. Yeah. Come back, come back. No, come back. Okay, sorry. I'm not even coming back. But this is for your father. I made it for, I'm wearing it for your father. Okay, come now. Okay, sorry. Tell them about your exam. Sorry. I did. Sorry. Tell them more. Take some more questions while I'm getting the cheese out of this block. Just taking me like what can we use in brownie in place of eggs? Okay. A lot of people asked me this question yesterday. Grater kahan gaya? Lot of people asked me this question yesterday. But these brownies that I have shown you. I guess you like those brownies, huh? Yeah, they were good. Yeah, okay. You're going to have that for breakfast, for dessert again today. Yeah. Okay, so these brownies are with egg. Abhi tak maine wo eggless brownie ko crack nahin kiya hai as good as this. So, jab main crack kar lungi, toh main aapko bata dungi ki uski recipe kya. They're asking which grade I'm in. Haan, so tell them. I'm in 8th in the finals and then I'm going to go to 9th in March. Yes, and now you're in which curriculum and what are you going for now? Yeah, I'm going for IGCSE now. Okay. Because it's way more application and less mugging. Okay, don't have to give all those reasons because a lot of people are doing IG, yeah. I know, ICSE. ICSE. Yeah. So, I'm adding some mozzarella. Okay. Answer some more. Typical teenager, someone is saying. I don't like this. I'm used to having my baby around. By the way, my microphone is not there. Baby. Oh God, again he's going to get messed up because I've called him baby. Yeah, I'm done. You're done. Okay, tell them how your friends tease you. Because they're all watching and they'll tease you even further. So you may as well go all out. Huh? Yeah. So what they do is, so if I do any video or any recipe thing with my mom, they're going to first
crop. So they're gonna first crop only to my face in because of like the frames. If they go in slow mo, if they go in frames, then one face will be like slightly weird. So they're just gonna crop to that, and then they're gonna take a clip of what I'm saying, which might sound funny, and then they spam it. But he's such a sweet boy. He still does it. But now he's not doing it. Does yeah, because it's been going on for 4 years and now it's getting hard. It's getting weirder. And if I kiss you in front of everybody, I'm dead. Guys, guys, guys. Mom, bye. I'm actually done. Okay. Sorry. Achha, bye. Say bye to everyone and go, na, nicely. Bye. I pushed it too. I pushed my luck. Yeah, they can't see much. You. Bye. Thank them for, they wished you a lot for your exams. You. Just 4 more left now. Just 4 more left. All right. Okay. So I have added some mozzarella cheese on top of my garlic herb butter, and I'm now putting it in the oven again. I'm going to reduce the temperature to 180. बहुत जल्दी हो जाएगा हाँ इसका 2 मिनट का सिर्फ रखो. Here the pasta is boiling. I mean the water is boiling. I am going to add the pasta and we are going to talk about Agastya, but let me start this process. Lovely, the mutton is looking beautiful and I'm adding the spaghetti to this. So bas yahan aise chhod dena hota hai and go ab dheere dheere cook hoga. I'm adding some hot water to my spaghetti bolognese because you want it nice and saucy. Thoda sa camera pass lana. Oh, beautiful color, na Preeti? Ji. Much better than last time, na? Ji. Okay. Whoops. Okay. So this is, maine abhi pani dala, if you can see. Just see how beautiful this is looking. You can see the mutton. Aap dekh sakte hain ki kis tarah se tomato bhi acche se pak gaya hai. And thoda sa main aur pani dal ke ise rakh dungi. पकने के लिए व्हाट इज द टाइम वी हैव टू सी आवर टाइम आल्सो 10 मिनट्स ओके लेफ्ट ओके इट हैज टू बी अ नाइस थिक सॉस गिव इट अ लिटिल मोर वाटर एंड देन आई एम गोइंग टू कवर इट अप टू कुक ओके जस्ट वन नाइस उबाल आ जाए उसके बाद मैं इसे ढक के रख दूंगी. यहाँ पास्ता दिखा दो. ये मैंने स्पेगेटी डाल दिया है. पानी इस तरह से रोलिंग बॉईल पे है और अभी ये धीरे धीरे उबलते उबलते नीचे चले जाएगा. शो यू दैट हाउ इट गोज सॉफ्ट. जैसे ये पास्ता सॉफ्ट होते जाएगा इट्स गोना स्टार्ट गोइंग इनसाइड. ओके यू डोंट हैव टू फिडल विद इट. वो अपने आप ही ऐसे हो जाता है. शो दिस नाउ. सी हाउ दिस नाइस बॉईल हैज स्टार्टेड कमिंग. ओके द मोमेंट दिस बॉईल कम्स इन गिव इट अ नाइस स्टर. And अब इसे हम ढक देंगे and we're gonna let it cook on medium flame. Okay, lovely. All right, so how did you enjoy the interaction with my son? Typical teenager, right? Okay, so herb butter is done. Please इसे अच्छे से क्लिम क्लिम में लगा दो और वापस फ्रिज में रख दो. Oh, 3 minutes. The cheese has melted nicely. So I am just going to see if it is crispy or not from down. 1 minute, main zara garlic bread dekh rahi hu. I'm going to show you all different stages also. I'm going to show you how the cheese has melted. Can you see it? Ye wo dusra wala mitten dena. Ya ek wo napkin dena. Okay, I'm going to show you. Ouch, I burnt myself. I want to show you how beautifully that cheese has melted. But what I want to check, this has become nice and crisp. So ab oven band kar dete hain and we're just gonna let it be inside for a little while taki harden ho jaye. Theek hai? Crisp na ho jaye. Oh, I touched the pan. Yum yum yum. Thoda sa ice pack de de. Okay. So garlic herbed butter you saw, and you saw how the garlic bread was done. This is still in the making, which is my spaghetti bolognese, almost done. And you can you see how the pasta has come down? Dekh rahe hain aap kaise niche aa gaya? Ye aur dheere dheere bas ab woohoo pura niche chala gaya. Main aapko dikhaungi kis point pe it is done. Thoda sa ice pack
मैं लगा रही हूँ क्योंकि वो नीचे से पैन को नैपकिन के थ्रू मैंने टच कर दिया. नो प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द ब्यूटीफुल ड्रेसिंग. यू गेट नाइस शेडेड अमूल चीज. या वी कैन यूज दैट एज वेल. बट आई यूज दिस फ्रेश मोजरेला चीज विच हैज गॉट ओनली मिल्क एंड नो वेजिटेबल फैट. सो दिस इज फ्रेश फ्रॉम अ चीज वाला दैट आई गेट इन क्रॉफर्ड मार्केट. हिज नेम इज तबरेज. तो आज ही मैंने अपना सारा फ्रेश मंगाया. चीज का एक मैं आपको टिप देती हूँ. चीज जैसे अभी मैंने ये पूरा ब्लॉक खोला राइट. आई हैव टू ग्रेट इट. तो मैंने काफी सारे चीजें चली थी वरना यूजली आई कट अ लिटिल बिट एंड आई यूज इट. लेकिन अगर जैसे मेरी तरह आपने पूरा चीज का ब्लॉक खोल दिया ऑलवेज रैप इट विथ फ्रेश क्लिंग फिल्म. ओके ऑलवेज रैप इट विथ फ्रेश क्लिंग फिल्म एंड देन पुट इट बैक इन द चीज ट्रे. नेवर यूज द सेम क्लिंग फिल्म बिकॉज वो अच्छे से रैप नहीं होता. एयर गोज इन एंड दैट्स हाउ चीज स्टार्ट्स गेटिंग स्पॉइल्ड. ऑलराइट. नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज गोना हैपन विच इज द सैलेड ड्रेसिंग. अब सैलेड ड्रेसिंग बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ और किस तरह से आप एक सैलेड ड्रेसिंग की रेसिपी अगर आज आपने सुन ली ये वाली रेसिपी आपको मैं बता सकती हूँ और गारंटी दे सकती हूँ कि इस रेसिपी के बदौलत आप कम से कम 5-6 इस तरह से अलग अलग फ्लेवर वाले सैलेड ड्रेसिंग बना सकते हैं. ऑलराइट. सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू हैव अ लुक एट माय स्पेगेटी बोलोनेज. नहीं ये बहुत हाई फ्लेम में था. अब इसमें कम फ्लेम में मैं छोड़ देती हूँ. बहुत ज्यादा जोर से उबल रहा था तो मैंने कम कर दिया एकदम कम. इसको बस धीरे धीरे अब पकते देना है. मटन हमेशा स्लो कुकिंग में बहुत अच्छा होता है एंड दिस टेक्स अबाउट 40-45 मिनट्स टू डू. हो जाएगा बिकॉज पहले भी मैंने उसे अच्छे से भूंजा है. सो विल गेट कुक्ड आउट. ऑफकोर्स आई विल चेक इट. जस्ट वन सेकेंड. आई एम नाउ गोइंग टू शो यू. ये बॉटल बहुत ही अच्छी बॉटल है. इस तरह के आपके कहीं कई बॉटल्स मिल जाएंगे. आप अपने कोई भी यू नो डाउन द रोड स्टोर से मांग सकते हैं या फिर ऑनलाइन अ नाइस सैलेड. सो द गुड थिंग अबाउट मेकिंग अ सैलेड इन अ बॉटल लाइक दिस इज यू कैन स्टोर इट. यू कैन शेक इट. यू डोंट हैव टू यू नो यूज अनदर फोक टू इमल्सिफाई. तो कोई भी सैलेड का जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि जो प्रिंसिपल है कोई भी सैलेड का प्रिंसिपल ये होता है कि इट शुड बी सॉल्टी. इट शुड हैव अ लिटिल स्वीटनेस. इट शुड बी सार. देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ उमामी एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी ऑयल राइट. सो यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट. तो अगर आप ये 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अलग अलग वैरायटी की सैलेड्स बना सकते हैं. सैलेड ड्रेसिंग बना सकते हैं. सैलेड्स तो आप 10,000 वैरायटी के बना सकते हैं बिकॉज यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट. आज मैंने ग्रिल वेजिटेबल की सैलेड बनाई है. आप रेगुलर क्यूकम्बर खीरा जो क्यूकम्बर खीरा ही होता है गाजर टमाटर ये सब जो रेगुलर है वो भी डाल के लेटस वगैरह डाल के सैलेड ड्रेसिंग डाल के आप उसमें बना सकते हैं. आप जो आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं. आप रोस्टेड रूट वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं. जैसे यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल पोटैटो सैलेड बीट रूट. यूजली रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ अ मेयो काइंड ऑफ अ क्रीमी ड्रेसिंग वर्क्स मच बेटर. बट व्हाट आई एम मेकिंग इज अ नाइस विनेग्रेट व्हिच इज मेड विद ऑलिव ऑयल एंड विनेगर. सो विनेगर अगेन यू कैन यूज ऑफ एनी टाइप. ऑलिव ऑयल ऑलवेज एक्स्ट्रा वर्जिन. सो आई एम गोना ऐड ऑलिव ऑयल टू दिस. सो यूजली इट्स अबाउट 3 parts ऑफ ऑलिव ऑयल एंड 1 part ऑफ विनेगर. सो आपने जितना ऑलिव ऑयल लेना है ले लीजिए डिपेंडिंग ऑन कितना आप सैलेड बना रहे हैं. पर जैसा मैंने आपको कहा मैं यूजुअली जब सैलेड बनाती हूँ तो मैं थोड़ा क्वांटिटी ड्रेसिंग की बनाती हूँ ताकि वो कई बार यूज हो सके. नाउ इन दिस आई एम एडिंग सम बल्सामिक विनेगर. आप रेगुलर विनेगर भी डाल सकते हैं. आप विनेगर क्या होता है वॉट इज द एलिमेंट दैट इट इज गिविंग यू. इट इज गिविंग यू दैट एसिडिक फैक्टर राइट. तो वो एसिडिक फैक्टर के लिए आप मैं देख रही हूँ सॉरी कि कितना. सो इट इज यू हैव टू हैव इट लाइक 3 parts ऑफ ऑलिव ऑयल एंड 1 part ऑफ विनेगर. ओके सो या आई थिंक इट इज सो. सो ये जो एसिडिक फीचर है ये आपको विनेगर से मिल सकता है. आपको नींबू से मिल सकता है. आपको ऑरेंज जूस से मिल सकता है. तो मैं 2 एसिडिक फीचर्स डाल रही हूँ. मैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी डाल रही हूँ बिकॉज आई लव दिस ड्रेसिंग. यू कैन टेक इट. अगर आपने सिर्फ विनेगर भी डाला तो भी चलेगा. I'm just adding some orange juice to this as well because it gives a beautiful flavor. Okay, Preeti, मुझे ना please थोड़ा वो दे दो क्या कहते हैं olives निकाल दो and I want some mustard. So I am adding some salt to this. Regular salt आप use कर सकते हैं. मैं sea salt use कर रही हूँ. आज मेरा sea salt use करने का मैंने सब चीज में
then some pepper. Okay. I am not adding sugar. यहाँ पड़ा हुआ है मेरे बोलोने सॉस के लिए. But if you want, you can add sugar. मैं sugar के बदले the sweet element that I want to add, it is of maple syrup. So you can use maple syrup, you can use honey, you can use some strawberry jam जो आपके घर में पड़ा है और any jam. तो जो sweet factor है उसके लिए आप कुछ भी use कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा maple syrup डाल दिया. हाँ वो वाले दे दो, pimento olives दे दो. वो पूरा बॉटल ले दो, मैं निकाल लेती हूँ. ये जो बाहर निकाला है खुले वो. ठीक है, ये हो गया. मस्टर्ड निकाला. आई एम गोइंग टू ऐड सम मस्टर्ड एज वेल. एंड आई एम मस्टर्ड देखिए आई एम गोइंग टू ओके इन माय बोलोनेज आई एम एडिंग सम रोजमेरी लीव्स जो मैंने फाइनली चॉप किए हुए. तो ये मैं डाल देती हूँ. मुझे पहले ही डालना था पर हमेशा कुछ एक एलिमेंट होता है जो मैं भूल जाती हूँ. बट नो प्रॉब्लम, वी आर स्टिल कुकिंग इट आउट. सो कोई भी मत, नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला. ओके, नाउ लेट्स चेक द स्टेटस ऑफ आवर पास्ता एज वेल, आवर स्पेगेटी. इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा. वी गोना ऐड सम ऑयल टू द वॉटर एज वेल अगेन, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो स्पेगेटी है वो चिपके एक दूसरे के साथ. लवली, स्पेगेटी पूरा हो जाएगा ना पक्का, कम तो नहीं होगा. मुझे तो स्पेगेटी कम लग रहा है. हाँ मेरे सॉस के हिसाब से स्पेगेटी कम है, पर हम स्टाइल मार रहे थे वो ग्लास में डाल के स्पेगेटी निकाल ले. मैं वो डालने के बाद थोड़ा सा और उबाल लूंगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके, सो वेयर वाज आई? आई वाज ऑन द ड्रेसिंग. ड्रेसिंग आई पुट ऑलिव ऑयल, आई पुट सम बेल्सामिक विनेगर, आई पुट सम ऑरेंज सॉस, ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस, संतरे का जूस निकाल के मैंने डाला, सॉल्ट, पेपर एंड सम मेपल सिरप. एंड नाउ आई एम एडिंग सम वो डिजॉन मस्टर्ड हो ना, जो मेरा ड्राई मस्टर्ड है. हाँ, सो यू कैन अवॉइड मस्टर्ड इफ यू डोंट वांट टू, बट आई लाइक टू ऐड सम मस्टर्ड. एक तो वो इमल्सिफाई करता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा देता है, एंड यू नो इट गिव्स दैट उमामी जो मैं बोली थी. एक उमामी एलिमेंट होना चाहिए हमारे सैलड ड्रेसिंग में, सो इट प्रोवाइड्स दैट उमामी इफेक्ट. वैसे छोटे बॉटल्स और थे बेटा, डिजॉन मस्टर्ड का पूरा था, पर ठीक है. यहाँ पे एक मेरे पास ये सामने पड़ा. ओके, सो आई फाउंड सम मस्टर्ड. चम्मच ना, सो आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड, सम नाइस थिक मस्टर्ड. आई डोंट वांट मस्टर्ड सॉस. ठीक है, तो वो जो मुझे पहले वो दे रही थी वो मस्टर्ड सॉस था, विच आई डिडंट वांट. So I just added a little bit of regular thick mustard to it. Now what am I going to do? Now I am just going to shut this. Iska jo opening hai, ise band karke I'm going to shake it. So now you know the trick. Agar aap is tarah se bottle mein banate hain, to kya hota hai? Oil aur pani basically dono ka koi mel nahi hai, right? Wo ek dusre ke sath dissolve nahi hota. To ise emulsify karna hota hai. और इमल्सिफाई करने के लिए उसे अच्छे से भी शेक करना होता है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि ये शेक करके आप बाद में रखेंगे तो वो वापस सेपरेट हो जाएगा. इसलिए जब आपको इसे यूज करना होता है तो यू ऑलवेज हैव टू शेक इट अगेन. एंड दैट्स व्हाई अ बॉटल लाइक दिस कम्स वेरी हैंडी. अब ये आप फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर रख सकते हैं. जितना यूज करना है यूज किया, बाद में रखा, फिर अगेन यूज करने समय अच्छे से शेक कर लिया. एंड ये जो हमने मस्टर्ड डाला है, इट एक्ट्स एज अगेन अ इमल्सिफाइंग एजेंट. तो मस्टर्ड इसमें हमने डाला है, कई बार हम उसमें मेयो डाल सकते हैं, दैट ऑल्सो गेट्स नाइसली इमल्सिफाइड. यूजली जब आप मेयो डालते हैं तो उसमें इंस्टेड ऑफ एडिंग लाइक अ बेल्सामिक विनेगर एंड ऑल, वी कैन एड यू नो सम
यू कैन ऐड विनेगर एज वेल, नो प्रॉब्लम. उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा केपर्स होते हैं उसका पानी डाल सकते हैं, ऑलिव्स होते हैं उसका पानी डाल सकते हैं, यू नो, टू गिव दैट लिटिल सॉल्टी थिंग. सो आई एम गोना यूज सम ऑलिव्स इन माय सैलेड. आई हैव गॉट दी स्पैनिश ऑलिव्स, यू नो, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पैनिश ऑलिव्स, तो मेरे घर में तो आपको स्पैनिश ऑलिव्स ही मिलेंगे, एंड दे आर रियली अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी. सो आई ऑलवेज यूज दीज, एंड हियर माय स्पेगेटी सीम्स ब्यूटिफुली डन. आजा प्रीति, सो आई एम गोना शो यू, आई गेट द कैमरा क्लोजर एंड आई शो यू वॉट इज द साइन ऑफ डन स्पेगेटी. सो वेन यू ब्रेक द स्पेगेटी, उसके अंदर आपको कुछ व्हाइट दिखेगा, नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा है, व्हाइट इस तरह से दिखना नहीं चाहिए. सो वेन यू बाइट इट यू नो वेदर इट्स फुल्ली डन और नॉट. जस्ट अ लिटिल बिट मोर, यू वॉन्ट इट अल डेंटे, यू डोंट वॉन्ट. कई बार घर में क्या होता है स्पेगेटी या नूडल्स बनाने में प्रॉब्लम ये होता है, बहुत ज्यादा पिचपिच हो जाता है और बहुत ज्यादा सॉगी हो जाता है. यू डोंट वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट इट टू बी कुक टू द राइट लेवल ऑफ बाइट. ओके, एंड सेकेंडली कई लोग कॉमेंट करते हैं, अरे आपके बाल खुले रहते हैं, आप अपने कपड़ों के बारे में बात करते हैं, आप अपने इयर रिंग्स के बारे में बात करते हैं. वेल, मैं आपको एंटरटेन भी कर रही हूँ ना यहाँ कुकिंग. यूजुअली घर में जब कुकिंग करती हूँ तो आपको मेरा हुलिया देखना चाहिए, बाल पूरे बंधे रहते हैं, कैप होता है, एप्रन होता है. पर हम जब इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं या वीडियो पे कुछ करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं तो नेचुरली थोड़े क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं, थोड़ा सा ब्यूटिफाई करते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर भी डालते हैं. कोई लोग अगर अपने कपड़ों को प्रमोट करना चाहते हैं तो वी ट्राई एंड हेल्प देम आउट, उनकी ज्वेलरी को. सो इट इज नॉट अबाउट कि पिछले बार किसी ने बोला था ये ब्यूटी शो है क्या, तो मैंने कहा ये ब्यूटी शो नहीं है, ये ब्यूटी को प्रमोट करने का एक जरिया है. क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप खाना बना रहे हैं तो आप ब्यूटी को ब्यूटी की बातें नहीं कर सकते. आई मीन इट्स नॉट लाइक खाना बनाना इज अ चोर एंड इट्स अ प्रॉब्लमैटिक चोर एंड जब आप खाना बनाया बड़े सीरियस हैं और कोई भी और बातें ना करें. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव दैट लाइफ इज टू एंजॉय एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय. एंड यस, फैक्ट इज दैट घर में जब रेगुलर खाना बनता है तो नेचुरली इस तरह से सर झज के कोई नहीं आता. इमेजिन व्हाइट कपड़े पहन के कोई खाना बनाएगा, वो भी स्पेगेटी बोलोनेज. लेकिन मैंने वो भी चांस लिया है. But that's only to take these creative liberties. I hope you all understand that. You are allergic to vinegar because of your diseases. Okay, then completely avoid vinegar. No problem. Aap nimbu dal sakte hai. Fresh nimbu is very, very easy to use and very amazing too. Okay. So now, usko kar liye. अभी देखो काफी हो गया स्पेगेटी ना, उस समय अच्छे से बॉइल नहीं हुआ था तो हमें लग रहा था कम, बिकॉज इट वॉज नॉट कुक्ड वेल, इट वॉज नॉट बॉइल्ड इनफ. नाउ आई एम गोइंग टू बाइट इट अगेन. नाउ इट्स परफेक्ट. नाउ ब्रिंग द कैमरा क्लोजर, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी मिक्स दिस. ओके, यहां पे मेरा स्पेगेटी बोलोनेज बिल्कुल तैयार है. आई एम गोइंग टू जस्ट इन फैक्ट टेक अ लिटिल टेस्ट ऑफ इट बिफोर आई बिगिन. सुपर्ब, बहुत ही अच्छा. एक मुझे थोड़ा सा चीनी डालना है टू कट द टार्टनेस ऑफ द टोमेटोज, तो वो मैंने डाल दिया. एंड नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड सम पार्मेजान चीज, जो मैं बाद में भी डालूंगी. ये ग्रेटेड पार्मेजान चीज है, विच इज अगेन गोइंग टू एड दैट ब्यूटिफुल उमामी फील टू माय स्पेगेटी बोलोनेज. ओके, तो ये मैंने दो चीजें अभी और डाल दी हैं, एंड अब यू कैन सी दैट द सॉस इज लुकिंग ब्यूटिफुल एंड द मटन इज ब्यूटिफुली कुक्ड. कैन यू सी दिस? अदर गरम तो नहीं है ना. सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग, इट्स ऑल कम टूगेदर ब्यूटिफुल वेरी वेरी नाइसली. नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली एड ओके. नाउ आइडियली वी व्हाट डू वी डू, वी ड्रेन इट आउट. उसमें गर्म आ रहा है हवा, कैसे रखना है?
we drain it out, but I'm not draining it out, I'm adding it directly because that's the real maza when you get that starch straight out of the pasta water. That's what, haan, thoda dur le ja, because wo phone band ho jayega, heat up ho jayega. That's what you really want. Ah, lovely. Whoa, look at this, how beautiful this is looking. Now all I need to do is add some fresh basil leaves. Isme main basil ke patte dal dungi. Italian basil hai. Ise aap last mein hi dalna hota hai because ye bahut fresh hota hai. Ise is tarah se tod ke hum dal dete hain. Pehle dal denge to ye iska pura flavor chhod dega and you're not going to get that real basil ka jo flavor hai. That lovely. How good is this looking, guys? How good is this looking? Just gonna let this cook on high flame so everything comes together and then I'm gonna serve it. Lovely. Isko pakne lete hain and let's assemble our salad quickly. I think we're gonna run out of time today. Salad ke sara saman nikal de please. Dressing is ready. What am I assembling it in? My salad bowl. ओके तो आपने देखा कि किस तरह से इतना कुछ एक घंटे में आसानी से बन गया एंड अगर आप घर में बिना बातें करके बनाओगे तो और भी आसानी से बन जाएगा. नहीं मेरा असेंबली का बोल वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन का बोल एक्चुअली यू आर राइट इसमें डायरेक्ट नहीं करती वो लिया इसमें करती हूँ. सो आई एम गोना ऐड आई एम गोना असेंबल एवरीथिंग इन अनदर बोल सो दैट आई डोंट डर्टी माय फाइनल बोल. जो मैंने ग्रिल वेजिटेबल्स किए थे वो डाल रही हूँ. थोड़ा यहाँ का जगह साफ कर दे ताकि आई कैन डू माय प्लेटिंग. आई एम एडिंग सम लेटस लीव्स यू कैन सी राइट. सो अगेन लेटस लीव्स यू जस्ट टेयर इट रफली एंड एड इट. ठीक है अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑलिव्स. ओह मेरा हाथ खोल दे प्लीज. मेरा हाथ स्लिपर कर रहा है स्लिपरी हो गया है. वेयर इज द ड्रेसिंग एंड हियर इज माय ड्रेसिंग व्हिच आई ऐड विद द हेल्प ऑफ दिस बॉटल. देखा कितनी आसानी से डल गया. एंड आई नीड अ स्पून. वेयर इज माय क्या कमाल की खुशबू आ रही है. वो मेरा पार्मेजन चीज रेडी है ना ऊपर से ग्रेट करने के लिए. इसे खोल के रख दे प्लीज. एंड यू गॉट मी अ स्पून डार्लिंग. तो अब मैं इसमें थोड़े से ऑलिव्स डालूंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टॉस इट ऑल अप. तो पहले मैं इसे टॉस इट विद दिस. Bread भी निकाल. Now I'm gonna assemble it on my final platter. Oh, look at these beautiful vegetables. How pretty they look. More olives on top. Some fresh parsley leaves. इसे मैं बस अगेन रफली तोड़ के डाल रही हूँ. लाला माय ग्रिल वेजिटेबल सैलेड इज रेडी. सो आई एम गोना कीप दिस हियर एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट माय स्पेगेटी. इट्स रेडी. आई एम गोना टेक इट आउट. व्हाट एम आई सर्विंग माय स्पेगेटी इन? माय बिग बोल राइट. वो निकाल दो. सो यू लाइक माय सैलेड गाइस? इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल राइट. एंड यू सॉ कितनी आसानी से हमने सैलेड ड्रेसिंग भी बनाई है. ओके जस्ट क्लियरिंग आउट माय स्पेस सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली.
लवली, इसे यहाँ साइड कर देते हैं, आ जाएगा ना इसमें। ओके सो नाउ दिस इज बिग पास्ता बोल जिसमें मैं स्पेगेटी डालूंगी। थिंक आई विल नीड अ नैपकिन और टू। ऑलराइट, ये हटाना नहीं, ये नहीं सिर्फ स्पैचुला। ओके थोड़ा सा पास्ता दो, देख कैमरा में अच्छे से दिख रहा है। नहीं नहीं उसको नहीं, जस्ट हाँ जस्ट लुक, एक सेकंड थोड़ी, ये मैं इसको एडजस्ट करने बोल रही थी। चलो ओके नाउ आई एम, नीचे से पकड़ना उसको। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। पार्मेजान के लिए ग्रेटर लिया, खोला उसको। ओके इज़न्ट इट लुकिंग लवली, थोड़ा सा सॉस बच गया था। There it goes, some parmigiano. Yeah, I want a thick one, huh? Because बहुत टाइम लग जाता है. I'm using this. My microplane is not there. Some fresh parmigiano. इसके बिना इसका कोई मजा नहीं. इसके लिए आपको parmesan cheese चाहिए. अगर आपके पास parmesan cheese नहीं है तो आप regular cheese use कर सकते हैं, पर डेफिनेटली फ्लेवर में कॉम्प्रोमाइज तो होगा भाई साहब। ओके हियर यू गो, माय स्पेगेटी बोलनेस इज रेडी। ओ ला ला, ऑलराइट सो टू थिंग्स रेडी एंड फाइनली आई हैव गॉट माय ब्यूटीफुल गार्लिक चीजी ब्रेड रेडी। ओके आई थिंक थ्री इज लुकिंग जस्ट लवली। And now my this amazing garlic, garam hai. This is the magic portion, जो मैंने garlic को अलग से roast करने के लिए रखा था वो इस तरह से लग रहा है। इसे आप बाद में squeeze कर लेना, अभी तो गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए squeeze कर लेता है लेना और फिर आपके garlic buttered bread में डालना। आज garlic butter is my problem word. And you can add it and just see how beautiful it looks. Oh my god, I'm very excited about my meal, guys. This is my grilled vegetable salad. Of course, you can add some nuts to it. You can add some more cheese to it. But already I have enough cheese going. I didn't bother, no problem. And this is my spaghetti bolognese. Isaro ki main achhi si picture abhi lungi. रुक जाए इसके बाद में कर लेना। सारों की फोटोग्राफ्स लूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी एंड पूरी रेसिपी भी शेयर करूंगी। नाउ आई बेटर से बाय बाय टू यू बिकॉज बहुत लंबा हो गया है एंड आई डोंट वांट कि अपलोड होने समय ये प्रॉब्लम करे बिकॉज दिस इज अ लवली लवली रेसिपी सेशन एंड आई डोंट वांट यू टू मिस इट। ओके गाइज, लव यू गाइज, एनी क्वेश्चंस दैट आई मिस्ड आउट डीएम मी, यू नो आई ऑलवेज आंसर यू गाइज। बाय।